Hello friends, welcome to Dosomecode.com. My name is Pankaj. So in this tutorial we are going to discuss about how to make a scroll to top button. So चलिए मैं सबसे पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक एरो का जो बटन है पॉपअप होता है, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज को स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता है. मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ. तो हम इस तरह का कुछ पेज क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैं इसको अभी कट कर देता हूँ और स्क्रैच से हमें स्टार्ट करेंगे. तो मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बना रखा है स्क्रॉल टू टॉप, और मैं इसी को कोड एडिटर में खोल लेता हूँ. तो इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, दैट इज index.html. एक और फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा style.css. न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट एस, main.css. एंड एक और फाइल बनाऊंगा जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए होगा, कंट्रोल शिफ्ट एस एंड main.js. तो ये तीनों फाइल यहाँ पे बन चुका है. तो HTML में हमें बस HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम लिखेंगे. टाइटल हम डाल देते हैं स्क्रॉल टू टॉप. CSS को इंक्लूड कर देते हैं, लिंक यहाँ H रेफरेंस में हम CSS का जो हमने फाइल का नाम लिखा है वो डाल देते हैं, main.css. और हम यहाँ पे jQuery यूज करेंगे. तो चलिए मैं जावास्क्रिप्ट का jQuery का CDN यूज कर लेता हूँ. यहाँ से कोई भी आप वर्जन ले सकते हैं. मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये आपको कॉपी करके अपने कोड में यूज करना होगा. तो इसको सिंपली कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे आकर के जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दिया. तो यहाँ से इंटीग्रिटी के बाद में इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम हटा भी सकते हैं. मैं हटा ही देता हूँ ताकि कोड हमारा साफ सुथरा दिखे. तो ये हुई हमारी jQuery की फ़ाइल. अब मैं इसमें अपने JS वाले जो फाइल हमने बनाया है उसको इंक्लूड कर लेते हैं. एंड सोर्स जो है हम दे देंगे क्या, main.js. तो एक बार हम सारे फाइल को चेक कर लेते हैं कि हमारा सारा फाइल प्रॉपरली चल रहा है नहीं. तो हमने जो यहाँ पे CSS ऐड किया है, CSS में हम कोई कोड लिख कर देख लेते हैं. तो CSS में बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर दे के चेक कर, बस ये चेक करने के लिए कि हमारा जो लिंक है वो सही से हुआ है कि नहीं. बैकग्राउंड कलर रेड, ओके. एंड मैं डेस्कटॉप पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको रन करते हैं. तो हमारा CSS वर्किंग है. अब चेक कर लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट. तो JS में जाएंगे, document.ready फंक्शन लिखेंगे, document.ready. यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा, अर्थात कि जब हमारा HTML पेज रेडी हो तो ये फंक्शन रन करे. तो मैं यहाँ पे सिंपली alert, चूँकि हमें बस चेक करना है कि हमने जो लिंक किया है जावास्क्रिप्ट का फाइल वो वर्क कर रहा है या नहीं. तो यहाँ पे alert करा लेंगे हम हेलो. जी हाँ दोस्तों, तो हमारा JS भी वर्किंग है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब को मैं हटा देता हूँ अभी, चूँकि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. इसको भी हटा देते हैं. तो HTML में आते हैं, और HTML हमें क्या करेंगे कि हम तीन सेक्शन बनाएंगे ताकि हमें जब स्क्रॉल टॉप करें तो हमें पता चले कि पेज स्क्रॉल भी हो रहा है. तो यहाँ पर तीन सेक्शन बना लेते हैं,
इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तीनों में एक एक एच वन टैग ले लेते हैं जिस पे कि लिखा रहेगा ये कौन सा पेज है। और यहाँ पे हम पेज का नाम लिख देते हैं, पेज वन पेज टू एंड पेज थ्री। और इसे हम सेव कर लेते हैं, आते हैं सीएसएस में, सीएसएस में इसके स्टाइल कर देते हैं। सबसे पहले जो हम बॉडी का जो मार्जिन पैडिंग है उसे जीरो कर देते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग लेता है। अब यहाँ पे हम सेक्शन को स्टाइल कर देते हैं, सेक्शन की जो हाइट है ताकि हाइट इसलिए दे रहे हैं ताकि उसका साइज बड़ा हो जाए और जब हम स्क्रॉल करें तो हमें पता चले। हाइट हम दे देते हैं 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, एंड सेक्शन के अंदर हम H1 को स्टाइल करते हैं। मार्जिन 0 पिक्सल क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन ले लेता है। फॉन्ट साइज 100 पिक्सल एंड पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज एंड जो सेक्शन है इसमें हम मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल का। मार्जिन 30 पिक्सल, चलिए चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो ये हमारा पेज वन है, पेज टू है एंड पेज थ्री। तो H1 को ज़रा स्टाइल कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। तो H1 का जो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं एंड टॉप से जो पैडिंग है इसको हम कर लेते हैं 150। ये दोस्तों ये सेंटर में है, तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है नहीं है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया एंड इसको पैडिंग टॉप जो है 150 करना था तो ये 150 है। तो दोस्तों हमारा जो डिज़ाइन है पेज का वो तैयार है। मैंने JS नहीं हटाया था, JS भी हटा देता हूँ यहाँ से, इसको सेव नहीं किया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब पेज स्क्रॉल होगा, मान लो कि ये इतना पेज स्क्रॉल हुआ तो यहाँ पे ये बटन शो हो जाना चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम बटन को डिज़ाइन करते हैं। मैं कोड पे आता हूँ, HTML में जाऊँगा और HTML में आप कहीं भी इस कोड को लिख सकते हो। मैं बॉडी के जस्ट नीचे ही लिख देता हूँ एंड यहाँ पे एक div ले लेते हैं जिसकी क्लास होगी स्क्रॉल बटन btn। ये क्लास हम ले उठा लेते हैं एंड इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आएंगे मेन डॉट css में, यहाँ पे क्लास को पेस्ट कर दिया एंड यहाँ इसका CSS करेंगे। तो इसकी जो हाइट होगी, हाइट हम ले लेते हैं 40 पिक्सल एंड विथ हम ले लेते हैं 40 पिक्सल
ओके बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं कुछ बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं रेड एंड पोजीशन इसका जो ले लेते हैं पोजीशन कर लेते हैं फिक्स्ड ओके आइए हम आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको तो अभी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला चेक करते हैं हमारा कहाँ गया बॉडी के जस्ट नीचे हमने लिखा था पेज सेव किया या नहीं स्क्रॉल बटन एंड टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल डी क्लास स्क्रॉल बिटवीन दैट्स ओके या तो यहाँ पे चूँकि हमने इसका पोजीशन फिक्स रखा था तो डिफ़ॉल्ट में अगर हम पोजीशन फिक्स करते हैं या फिर एब्सोल्यूट करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट में टॉप और लेफ्ट की ओर होता है टॉप से ज़ीरो एंड लेफ्ट से भी ज़ीरो होता है तो चलिए इसको हमें यहाँ सेंटर इस साइड लाना है तो इसका हम क्या करेंगे राइट से ज़ीरो कर देंगे राइट से ज़ीरो राइट से थोड़ा और इधर कर देते हैं ताकि पेज पे आ जाए ओके 30 पिक्सल एंड बॉटम से 50 पिक्सल तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे आ गया है इसको थोड़ा और कर लेते हैं इधर राइट से भी 50 पिक्सल कर लेते हैं ओके एंड बॉटम से 60 पिक्सल अब हमें क्या करना है इस पर एरो बनाना है तो एरो बनाने के लिए क्या करना होगा हमें बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल सॉलिड एंड इसको हमें करना है ब्लैक ये 3 पिक्सल को हम और बढ़ा देते हैं इसको हम 5 पिक्सल कर लेते हैं 6 पिक्सल कर लेते हैं ओके सो ये 6 पिक्सल हो गया ऐसा ही एक और हम ले लेंगे बॉर्डर लेफ्ट 6 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट ट्रांसफॉर्म इसको हमें रोटेट करना है रोटेट करने के लिए क्या होता है ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री सो हमारा एरो जो है रेडी हो चुका है बट हमें इसका जो विथ एंड हाइट है ज़्यादा लग रहा है मैं इसको 30-30 कर देता हूँ ये 30 हो गया एंड इसको भी मैं 30 कर देता हूँ जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा छोटा नाइस सा हो गया तो और इसका बैकग्राउंड कलर मैं रिमूव कर देता हूँ बट अभी देख रहा हूँ कि ये टॉप और बॉटम से काफ़ी ऊपर है इसको बॉटम से थोड़ा और नीचे कर लेते हैं 40 कर लेते हैं 40 भी नहीं 30 भी नहीं 20 इज ओके ओके सो इस स्टाइल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड एक और चीज़ इसे हमें कर्सर पॉइंटर करना होगा तो मेन डॉट सीएसएस में आएंगे और यहाँ पे हम सारे क्लास को सीएसएस को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा कर्सर है इसको हम कर देते हैं पॉइंटर ताकि जो हैंड वाला मार्क होता है वो आ जाए
जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा एरो जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी जब हम अभी क्या हो रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, बट हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखाना नहीं है। जब हम स्क्रॉल करें, मान लो कि मैंने वन पेज इतना स्क्रॉल किया तब ये शो हो, और जब मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ तो ये हाइड हो जाए। तो चलिए हम इस चीज़ को अचीव करते हैं। इसको अचीव करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में जाना होगा, और जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ पे पहले इसको एक्सेस कर लेते हैं, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। स्क्रॉल बटन नाम का, btn नाम का, एंड इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो डॉट एंड इसकी जो क्या क्लास दिया था हमने, यही था स्क्रॉल btn। तो इस वेरिएबल में हमने इस बटन को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद चलिए चेक कर लेते हैं हमारा ये सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। स्क्रॉल btn डॉट क्लिक एक फंक्शन चलेगा, एंड यहाँ पे मैं ये लेफ्ट करा लेता हूँ। और चेक कर लेते हैं कि हमारे बटन पे क्लिक जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं बटन पे क्लिक किया और हमारा जो बटन है क्लिक काम कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है हमें कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि विंडो को स्क्रॉल होने पर फायर हो। तो हमारे पास एक फंक्शन है विंडो डॉट स्क्रॉल, विंडो डॉट स्क्रॉल। जब विंडो स्क्रॉल होगा तो ये फंक्शन जो है रन होगा। इसके अंदर एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्क्रॉल टॉप नाम का। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब विंडो है डॉट स्क्रॉल टॉप होगा, इस वेरिएबल में हमारा क्या आएगा कि जब विंडो स्क्रॉल होगा तो ये हमें वैल्यू बता देगा कि विंडो कितना स्क्रॉल हुआ है। इसको हम लोग कंसोल करा कर देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, एंड इस वैल्यू को हम प्रिंट करा लेते हैं स्क्रॉल टॉप, एंड इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चेक कर लेते हैं कि रन हो रहा है नहीं। एंड यहाँ पे जाओगे एलिमेंट, यहाँ पे कंसोल क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। एट वन फोर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं एंड जब 400 को टच करेगा, 400 ले लेते हैं, तो इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ स्क्रॉल टॉप की जो वैल्यू है, स्क्रॉल टॉप की जो वैल्यू है या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 400 के, तो सबसे पहले इसे हमें हाइड करना होगा। तो यहाँ आता है मेन जो CSS में और इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन। ओके, तो अब ये हमें दिखेगा नहीं। अब जब हम जावास्क्रिप्ट में यहाँ कोड क्या लिखेंगे कि जब विंडो 400 पिक्सल स्क्रॉल हो तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो हमने इस वेरिएबल में इसको दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉट शो, ये jQuery का मेथड होता है। और यहाँ पे हम स्पीड दे देते हैं, मिली सेकेंड में होता है कितने मिली सेकेंड में एनिमेट होते हुए ये बटन शो होगा। तो चलिए आउटपुट देखते हैं।
एंड पर इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ जी। अंदर सब देख सकते हैं, चूँकि हमने अब कोड क्या लिखा था कि जब इसे बड़ा हो, सॉरी जब 400 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल हो तो ये दिखे, बट हमने ये कोड नहीं किया था कि जब 400 से कम हो तो ये ना दिखे। तो यहाँ हम एल्स में क्या करेंगे, इसको हम हाइड कर देंगे एंड यहाँ शो के जगह हाइड लिख देंगे। अब क्या होगा कि जब विंडो का जो विंडो जो हमारा 400 से ऊपर की ओर जाएगा यानी ये स्क्रॉल होगा तो ये उस बटन को शो कर देगा, ये दिखा देगा, और जैसे ही ये 400 से नीचे जाएगा यानी विंडो स्क्रॉल 400 से कम होगा तो ये फिर उसको हाइड कर देगा। चलिए देखते हैं हम इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी हाइड हो चुका है, जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ आप इधर देख सकते हैं 400 जैसे ही आएगा ये शो हो जाएगा। जी दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही 400 का ये क्रॉस किया ये शो हो गया, और ये जब तक रहेगा जब तक कि 400 से पेज स्क्रॉल का साइज जो है वो बड़ा हो, जैसे ही ये 400 से कम होगा ये डिस्प्ले नन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जब यहाँ पे आ जाए और जब हम इस पर क्लिक करें तो स्क्रॉल होकर ये टॉप पे चला जाए। तो हमने ये एक बटन ले रखा है इसको, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके क्लिक पे यहाँ से हमने इस बटन को एक्सेस कर लिया, अब क्या कर रहे हैं कि इस बटन पे जब क्लिक हो ओके तो एक फंक्शन रन हो। तो ये क्लिक पे हमें क्या करना है, डॉलर लेंगे और एक्सेस करेंगे किसको, HTML और बॉडी को। डॉट एनिमेट एक मेथड होता है, और ये ऑब्जेक्ट को लेता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और इसके ऑब्जेक्ट में हम जावास्क्रिप्ट भी पास कर सकते हैं और CSS भी। तो स्क्रॉल टॉप जो है आपको याद होगा कि स्क्रॉल टॉप यहाँ पे जो इसका मेथड था विंडो का वही मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो जैसे ही स्क्रॉल टॉप यहाँ पे कॉल होगा ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हम टाइमिंग डिफाइन करते हैं कितने मिली सेकेंड में, तो मैं इसको 400 मिली सेकेंड कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो एनिमेशन हुआ है वो अचीव हुआ है या नहीं। बेसिकली क्या हुआ कि जब हम इस ब्लॉक इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बॉडी HTML को एक्सेस किया और इसको एनिमेट किया, एनिमेट करते हुए एनिमेट जो फंक्शन है जो हमारा मेथड है ये लेता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड टाइमिंग। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारा स्क्रॉल टॉप होगा, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये विंडो पर ऑब्जेक्ट चल रहा था, तो ये क्या करेगा टॉप से 0 कर देगा और यहाँ से कितने मिली सेकेंड में जाएगा ऊपर, 400 मिली सेकेंड में। तो चलिए चेक करते हैं आउटपुट। तो ये सही है हमारा, जैसे ही स्क्रॉल किया 400 पिक्सल पर पहुँचा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लिक करते हैं ये हमें टॉप पे ले आया। चलिए इसको हटा के हम एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट पेज पे हैं तो हमें ये एरो शो नहीं हो रहा, जैसे ही हम 400 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे ये हमें शो हो गया, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें ऊपर ले आएगा और अपने आप ही हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये ट्यूटोरियल जो है जो हमने स्क्रॉल टू टॉप बटन कस्टम क्रिएट किया है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।